Hey everybody, this is Brajesh here और आप देख रहे हैं CAB Infoventry। दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर आपको जो भी गेन होता है उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो आपका सवाल आएगा कि सर, क्या हम उस इनकम टैक्स को बचा भी सकते हैं? हाँ दोस्तों, बिल्कुल बचा सकते हैं, और वो भी लीगली। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन सारी एसेट्स के बारे में जिनके सेल करने पर आपको कोई अगर प्रॉफिट या गेन होता है तो उस पर आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और उस इनकम टैक्स को आप किस तरह से थ्रू टैक्स प्लानिंग बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आपके साथ। अब आपका सबसे पहला सवाल आएगा कि कैपिटल गेन होता क्या है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी एक कैपिटल एसेट है। इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी एसेट्स भी कैपिटल एसेट होती हैं, और उनके बारे में भी मैं अभी आपसे बात करूंगा। तो जब भी हम कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं तो उससे अगर हमें कोई गेन या प्रॉफिट होता है तो वो कहलाता है कैपिटल गेन, और उसे कैपिटल गेन के नाम से जाना जाता है इनकम टैक्स के अंदर। ये कैपिटल गेन भी दो तरह के होते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी को परचेज करने के बहुत थोड़े समय बाद सेल कर दिया है तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर उस प्रॉपर्टी को आपने अपने पास लंबे समय तक रखने के बाद सेल किया है तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये दोनों ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग अलग तरह से इनकम टैक्स के अंदर टैक्स होते हैं, और उनका रेट ऑफ टैक्स भी अलग अलग है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हर तरह की प्रॉपर्टी के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसके बारे में, ताकि आप उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएं और इन एडवांस ये प्लान कर पाए कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर कितना टैक्स आपको देना होगा और कितने अमाउंट पर देना होगा। इन सब बारीकियों को मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि इस इनकम टैक्स को आप किस तरह से बचा सकते हैं लीगली। जी हाँ, प्रॉपर्टी के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको आप थ्रू टैक्स प्लानिंग लीगली सेव भी कर सकते हैं, यदि आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं। मैं आपसे इस वीडियो में हर तरह की प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा, उसके टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, और उस टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है लीगली उस बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, या फिर प्लॉट हो, या फिर अपार्टमेंट हो। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन लगता है कैपिटल एसेट के ऊपर इनकम टैक्स में, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कैपिटल एसेट खुद ही क्या है, हम तो इसे नहीं जानते हैं। दोस्तों, घबराइए नहीं, मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं कि इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल एसेट क्या होती है, क्योंकि कैपिटल एसेट के बेसिस पर ही ये डिसाइड होगा कि किस तरह का टैक्स आपकी उस प्रॉपर्टी की सेल पर लगेगा, यानी के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल एसेट होती है आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट्स, मशीनरी, यूलिप, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एंड अपार्टमेंट। इसके अलावा ज्वेलरी,
आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट आर इंक्लूडेड विद इन द कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स. ज्वेलरी का मतलब होता है एनी ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन एंड वेदर और नॉट वर्क्ड और स्वेन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल. इसके अलावा कोई भी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन चाहे वो किसी भी फर्नीचर, यूटेंसिल या किसी भी दूसरे आर्टिकल या वर्क में है या इट इज स्वेन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल विल आल्सो बी कमिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी. यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए कि आपके पर्सनल इफेक्ट्स यानी कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आपके वेयरिंग अपैरल्स और फर्नीचर जो कि आपके पास हैं आपके पर्सनल यूज के लिए या आपकी फैमिली के मेंबर्स जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके यूज के लिए वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, यानी कि इन पर आपको कोई भी कैपिटल गेन पे नहीं करना पड़ता है उनकी सेल पर. ऑल्सो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है. रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब है कि वो लैंड जो कि म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कंटोनमेंट बोर्ड के बाहर सिचुएटेड है. सीधे साधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसी लैंड जो अर्बन एरिया के बाहर सिचुएटेड है तो इसका मतलब यह हुआ कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है उनकी सेल पर अंडर इनकम टैक्स. इसके अलावा सर्टन गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो कि इश्यू किए गए हैं अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 उनको भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, यानी कि इन पर भी आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स इनकी सेल पर या ट्रांसफर पर नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा कोई भी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स या रॉ मटेरियल जो कि आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए रखा हुआ है उसे भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से अलग किया गया है, उसकी सेल पर भी आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट सेल करते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट या मुनाफा या गेन होता है तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा. अब एग्जांपल के लिए आपका कोई एक फ्लैट है और उसको आप सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपको उस पर प्रॉफिट या गेन होता है. हालांकि ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको उसकी परचेज की डेट से कितने दिन बाद सेल किया है और उसी के बेसिस पर यह तय होगा कि उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. अब आप पूछेंगे कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है, तो ये वो टाइम पीरियड है जितने समय तक किसी एसेट को बेचने से पहले आपने खरीदने के बाद अपने पास रखा, यानी कि कितने पीरियड तक आपने उस प्रॉपर्टी को या एसेट को होल्ड किया है. तो अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड या बिल्डिंग या अपार्टमेंट तो उस केस में अगर आप उस प्रॉपर्टी को उसकी परचेज की डेट से 24 महीने तक
यानी 24 मंथ्स तक अपने पास रखने के बाद सेल करते हैं, ऐसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी परचेज की डेट से 24 महीने से कम समय तक अपने पास रखने के बाद सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। 2017 से पहले ये टाइम लिमिट 24 मंथ्स ना होकर 36 मंथ्स होती थी, जिसे घटाकर अब 24 मंथ्स कर दिया गया है। यह आपके लिए एक फेवरेबल स्टेप था क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के मुकाबले कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको वो रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है जो आपकी नॉर्मल इनकम पर लग रहा है। हो सकता है आप 30% के टैक्स लैब में हो या 20% के टैक्स लैब में हो या 5% के टैक्स लैब में। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में फ्लैट 20% का टैक्स लगता है। लेकिन इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको वेरियस एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं। तो जो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट होता है वो 20% से काफी कम भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि जिस साल में आपने उस एसेट को परचेज किया था और जिस साल में आप उस एसेट को सेल करते हैं उसके बीच में जो भी इन्फ्लेशन का फर्क आता है उसका फायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडेक्सेशन के रूप में आपको देता है। और सीधे साधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो जिसकी वजह से आपकी परचेज प्राइस बढ़ जाती है और आपको कम अमाउंट पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। इस इंडेक्सेशन का कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है वो मैं अलग से एक वीडियो में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको इंडेक्सेशन का कोई भी फायदा नहीं दिया जाता। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज से एक साल पहले कोई एसेट 5 लाख रुपए में खरीदी थी और उसके बाद एक साल बाद आप उसको 8 लाख रुपए में बेचते हैं तो सीधे सीधे आपको 3 लाख रुपए पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं उन एग्जेम्पशंस के बारे में जो कि आपको मिल सकती है अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर इनकम टैक्स। आपको सबसे ज्यादा जो टैक्स हर्ट करता है वो है कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल आपने अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किया है। तो घबराइए नहीं दोस्तों, अगर आपने अपनी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है और उस पर आपको बहुत सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या प्रॉफिट हुआ है तो मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे आपको हो सकता है बिल्कुल भी इनकम टैक्स ना पे करना पड़े। जी हाँ, इनकम टैक्स के अंदर एक वंडरफुल सेक्शन है और वो सेक्शन है सेक्शन 54। अगर आप उसका सहारा लेते हैं तो आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म है उसे भी बचा सकते हैं और उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वो भी लीगली। अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप HUF यानी के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं और आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करके उसको 24 महीने या उसके बाद सेल करते हैं
तो उससे होने वाला प्रॉफिट या गेन पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप सेव कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 54 में आपको बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा किसी और तरह की प्रॉपर्टी को सेल किया है तो वो सेक्शन 54 यानी इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगी। उसके लिए दूसरे सेक्शन हैं जिन्हें मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है एनी बिल्डिंग, हाउस और अपार्टमेंट जो कि एक रेजिडेंशियल हाउस है और जिसकी इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होती है इनकम टैक्स के अंदर। तो अगर आप एक रेजिडेंशियल प्लॉट सेल करते हैं तो उस पर इस सेक्शन के अंदर आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जिसे आपने सेल किया है उसे परचेज की डेट से आपने अपने पास कम से कम 24 मंथ्स जरूर रखा हो और उसी के बाद उसे सेल किया हो तभी इस सेक्शन का फायदा आपको मिलेगा। इस सेक्शन के अनुसार आपको इस सेक्शन का फायदा लेने के लिए एक और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज करनी है या कंस्ट्रक्ट करनी है विद इन द टाइम पीरियड जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये पीरियड है अगर आप उस प्रॉपर्टी को जिसको आपने सेल किया है उसकी सेल की डेट से 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर्स आफ्टर तक आप एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में परचेस करते हैं या फिर इस सेल की डेट से 3 साल के अंदर एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आपने जो रेजिडेंशियल हाउस परचेस किया है या कंस्ट्रक्ट किया है और उसकी कॉस्ट कैपिटल गेन के अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा है तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोई अपना रेजिडेंशियल हाउस ईयर 2021 में सेल किया 24 मंथ्स होल्ड करने के बाद, तो अगर आपने 2020 में भी कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है तो वो एलिजिबल होगा इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन के लिए। इसके अलावा अगर आप ईयर 2023 तक भी कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं तो उस पर भी आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप इस सेल की डेट से अगले 3 साल में यानी के ईयर 2024 तक कोई एक रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो भी आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है ये कंस्ट्रक्ट किया है और उसकी कॉस्ट कैपिटल गेन के अमाउंट से कम है तो आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज कर सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन दैट इज सेक्शन 54। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज अप टू ₹2 करोड़ तो आपको इनकम टैक्स में यह ऑप्शन दिया है कि आप 2 यानी कि 2 न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं
या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक रेजिडेंशियल हाउस की जगह इन प्लेस ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस, ये दो रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट या परचेज करने का ऑप्शन अंडर सेक्शन 54 आपको अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर। यहां पर यह बात आपको विशेष ध्यान रखने की है कि सेक्शन 54 के अंदर आपको एग्जेम्पशन दो यानी कि टू रेजिडेंशियल हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट करने पर मिलेगी, ना कि रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करने पर। इस सेक्शन 54 की सबसे बड़ी ब्यूटी मैं आपसे शेयर करता हूं वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट ही न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, ना कि फुल सेल प्राइस और कंसीडरेशन, अनलाइक अदर सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स जहां पर कि आपको कंप्लीट और फुल सेल प्राइस को इन्वेस्ट करना पड़ता है कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, जो कि मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। इसको मैं आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू शेयर करता हूं। सपोज कीजिए आज से 10 इयर्स बैक आपने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रुपीज 30 लाख में परचेज की थी, जो कि आज आप रुपीज 1 करोड़ में सेल करते हैं, तो आपको कैपिटल गेन हुआ 70 लाख रुपीस का। तो इस सेक्शन 54 के अंदर आपको ओनली 70 लाख रुपीस ही इन्वेस्ट करना है न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट करने में, ना कि फुल 1 करोड़ रुपीस। इस 70 लाख रुपीस का कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए और रिमेनिंग रुपीस 30 लाख आप अपने किसी और पर्पस के लिए प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। आपने जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है या कंस्ट्रक्ट किया है, उसको अगर आप उसकी परचेज करने की डेट से या कंस्ट्रक्ट करने की डेट से विद इन 3 इयर्स सेल कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो भी कैपिटल गेन का फायदा मिला था पुरानी रेजिडेंशियल एसेट की सेल करने पर, वो रिवर्स हो जाएगा और उस केस में जो नई वाली एसेट है उसकी कॉस्ट प्राइस उस अमाउंट से जिसका कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको मिला था, उससे नई वाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम कर दी जाएगी, यानी के आपको उस साल में वो कैपिटल गेन जिसका बेनिफिट आपको पहले मिला था उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने की है कि अगर जिस साल में आपने अपनी पुराने वाली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और उस पर आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ है, वो अगर आपने किसी न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने में पुरानी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने के विद इन 1 ईयर नहीं लगा दिया, या उसका इस्तेमाल न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं किया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, यानी के जिस डेट तक आपको समय दिया गया है उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको वो कैपिटल गेन स्पेसिफाइड बैंक या इंस्टीट्यूशन के पास कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा और उस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न में आपको उस अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराने का प्रूफ भी लगाना पड़ेगा।
उसी कंडीशन में आपका कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट किया गया अमाउंट शैल बी डीम टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। जो अमाउंट आपने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दिया है रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले, उसको डीम कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। तो ये अमाउंट कैपिटल गेन का अगर आप अपनी न्यू रेजिडेंशियल एसेट को परचेज करने में या कंस्ट्रक्ट करने में नहीं लगाते हैं, तो तब तक आपको इस अमाउंट को अपने स्पेशल कैपिटल गेन अकाउंट में रखना पड़ता है अगर आप टैक्स एग्जेम्पशन चाहते हैं। अगर आप अपना ये अमाउंट अपने किसी फिक्स डिपॉजिट में लगा देते हैं या फिर किसी सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, तब उस कंडीशन में आपको ये टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम तकरीबन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अवेलेबल है और कुछ स्पेसिफाइड प्राइवेट बैंक्स में भी ये अवेलेबल है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर कोई अपनी पुरानी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है और उसके बदले में आपने एक या दो यानी वन और टू न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज कर ली है या न्यू हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ली है विद इन द टाइम पीरियड अलाउ, तो आपको उस पुरानी प्रॉपर्टी पर जो कैपिटल गेन हुआ था वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स से। अब हम बात करते हैं एक और एग्जेम्प्शन जो कि आपको मिलेगी आपके कैपिटल गेन के अगेंस्ट में, और वो है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गेन बॉन्ड। तो अब अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी लाइक लैंड या बिल्डिंग या दोनों सेल करते हैं तो सेक्शन 54 ईसी के अंदर आपको क्या फायदा हो सकता है टैक्स का, वो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अंदर जो एलिजिबल एसेट हैं वो सिर्फ लैंड या बिल्डिंग या दोनों यही एलिजिबल एसेट्स हैं, और कोई भी एसेट इस सेक्शन के एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये लैंड या बिल्डिंग या दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में ही अपना कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड 5 years होता है। ये स्पेसिफाइड बॉन्ड्स रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी के REC या फिर NHAI दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं। इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पीरियड 5 years होती है। अगर आपने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के किसी और बॉन्ड्स में जिनका मैच्योरिटी पीरियड या तो 5 years से कम है या फिर जो कि स्पेसिफाइड बॉन्ड्स नहीं है, और अगर आपने उनमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो सेक्शन 54 ईसी का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा और इसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड भी होना चाहिए, तभी आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के वो बॉन्ड्स जो कि नोटिफाइड है और जिनमें 5 years का लॉक इन पीरियड है, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको सेक्शन 54 ईसी का एग्जेम्पशन मिलेगा। इन बॉन्ड्स में आपको जिस डेट को आपने अपनी ओरिजिनल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करी है और जिस पर आपको कैपिटल गेन हुआ है उससे विद इन 6 months दैट इज 6 महीने के अंदर अंदर इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए। इन बॉन्ड्स में आप मैक्सिमम ₹50 lakh तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं।
पहले ये लिमिट हर साल के लिए 50 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब आप टोटल मिलाकर मैक्सिमम रुपीज 50 लाख ही इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे एक साल में या एक से ज्यादा साल में। अब आप सपोज कीजिए आपने एक प्रॉपर्टी सेल करी है जो कि आज से तकरीबन 10 साल पहले आपने 25 लाख रुपीज में खरीदी थी और आज आप उसको रुपीज 1 करोड़ में सेल करते हैं, तो आपको 75 लाख रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो इस केस में आप मैक्सिमम रुपीज 50 लाख तक ही इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर कि आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। अगर आपने अपने कंप्लीट 75 लाख रुपीस का जो कैपिटल गेन हुआ है उसे इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स को खरीदने में लगा दिए, तो भी आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन रुपीस 50 लाख का ही मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। बाकी के 25 लाख रुपीस पर, यानी के 75 लाख माइनस 50 लाख पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा इस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आज तकरीबन 5 to 5.25% होता है, जो कि अपीरेंटली बहुत कम है, लेकिन आपको जो बेनिफिट कैपिटल गेन के टैक्स का मिलता है तो नेट नेट में आपको हो सकता है कि फायदे में रहें अगर आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर यह बात ध्यान देने की है कि इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स के अंदर आपकी नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इन बॉन्ड्स में भी सेक्शन 54 की तरह आपको सिर्फ अपना कैपिटल गेन का अमाउंट ही इन्वेस्ट करना होता है, ना कि टोटल सेल अमाउंट। आपको सिर्फ अपना कैपिटल गेन का अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है, ना कि टोटल सेल प्रोसीड। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं परचेस करने जा रहे हैं तो ये बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए कि आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल गेन टैक्स को बचाएं। अदरवाइज आप अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन रहेगा रिटर्न वाइज। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी कैपिटल एसेट्स के बारे में, यानी कि अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जिनकी सेल पर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं, और वो भी लीगल। तो दोस्तों, इनकम टैक्स के सेक्शन 54F के अंदर आप अगर कोई अपनी ऐसी प्रॉपर्टी सेल करते हैं जिस पर कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो भी आप उस पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो यदि आप एक इंडिविजुअल हैं या HUF हैं, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, और आप कोई एक ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करते हैं जो कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि चाहे वो स्टॉक हो या बॉन्ड्स हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, यहां तक कि चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर प्लॉट हो, ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स इस एग्जेम्पशन के अंदर कवर होते हैं। यहां आपको एक बात ध्यान देने की है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो सेक्शन 54 के अंदर कवर हो गई, जिसको कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था। इसके अलावा जो भी कैपिटल एसेट हैं और जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है वो सेक्शन 54F के अंदर कवर होती है। इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए ये कंडीशन है
कि आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए अदर देन द न्यू असेट ऑन द सेल ऑफ ओल्ड असेट। इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जरूरी है कि आप एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करें एक साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ स्टॉक बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और प्लॉट दैट इज ओरिजिनल एसेट। उसी कंडीशन में आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आप सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीद सकते हैं, प्लॉट नहीं। अगर आपने प्लॉट खरीद लिया तो इस सेक्शन के अंदर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाँ, आप न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको एक साल का समय मिलता है, यानी 1 ईयर बिफोर उस ओरिजिनल एसेट को सेल करने की डेट से या फिर सेल करने की डेट से 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप उस न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, दैट इज आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने अपने कैपिटल एसेट को सेल करने से एक साल पहले भी अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी तो उसका भी फायदा आपको एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए मिल जाएगा इस सेक्शन के अंदर। या फिर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपनी कैपिटल एसेट को सेल करने के 2 साल के अंदर अंदर भी परचेज करी है तो उस पर भी आपको एग्जेम्पशन इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। या फिर अपनी कैपिटल एसेट की सेल की डेट से 3 साल के अंदर अंदर आप एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो भी आपको एग्जेम्पशन इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इस सेक्शन के अंदर मैं आपसे और शेयर करता हूं, वो ये है कि इस सेक्शन में आपको अपनी एंटायर सेल प्रोसीड या अमाउंट जितने की आपने अपनी ओरिजिनल कैपिटल एसेट सेल करी है उसको पूरा का पूरा इन्वेस्ट करना है फुल कैपिटल गेन से टैक्स एग्जेम्पशन लेने के लिए, अनलाइक सेक्शन 54 जहां पर कि आपको सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट ही इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी एक कैपिटल एसेट ₹1 करोड़ में सेल करी है और आपको उस पर 75 लाख रुपीज का कैपिटल गेन हुआ है तो यहां पर आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपी ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा न्यू हाउस परचेज करने में या कंस्ट्रक्ट करने में, ना कि सिर्फ 75 लाख रुपीज। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट ना करें और उसकी बजाय सिर्फ ₹50 लाख एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन भी प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा, यानी कि जो आपको ₹75 लाख का टोटल कैपिटल गेन हुआ है उसकी बजाय सिर्फ उसका 50% यानी ₹37.5 लाख का ही कैपिटल गेन एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, ना कि फुल ₹75 लाख का। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि अनलाइक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जहां पर मिनिमम होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन कैपिटल एसेट्स के केस में आपका होल्डिंग पीरियड
36 months hoga, na ki 24 months in order to claim exemption from long term capital gain. Agar aapne jo residential house property purchase ki hai ya construct ki hai, use purchase karne ki date se ya construct karne ki date se aap use sell kar dete hain ya transfer kar dete hain within 3 years, to aapko जो भी कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिला था पुरानी वाली कैपिटल एसेट पर, यानी के ओल्ड कैपिटल एसेट पर, वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा और आपकी नॉर्मल इनकम में जोड़ दिया जाएगा और जो भी आपके ऊपर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है उसके हिसाब से वो आपके हाथ में पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा उस साल में जिस साल में आपने उस नई एसेट दैट इज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफर कर दिया. जब तक आप अपने इन सेल प्रोसीड या कंसिडरेशन को न्यू रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने में या उसके कंस्ट्रक्ट करने में नहीं लगाते हैं, तब तक आपको उसको अपने कैपिटल गेन अकाउंट में रखना पड़ेगा. तो अगर आपने अनयूटिलाइज अमाउंट को अपने कैपिटल गेन अकाउंट में नहीं रखा तो उस कंडीशन में भी आपको कैपिटल गेन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा जितना अनयूटिलाइज अमाउंट आपने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा नहीं किया. वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर बताइए. तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा. आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं इस YouTube चैनल CABA इन्फोमेंट्री पर. तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में. तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए. बाय बाय.